It's been a year since Kerala based journalist Siddiqui Kapan was arrested by the UP police while he was on his way to Hathras for the coverage of the alleged gang rape of a Dalit woman. Seven others were also arrested by the UP police that day. In April this year, the UP STF has filed a 5000 page charge sheet in the case, the official copy of which hasn't been given to the lawyer yet. I have with me defence lawyer Madhuvan Das Chaturvedi in the Kapun case. Sir, so my first question to you is that you know in our subsequent conversations um, you have always said that this is one uh, case which should help someone understand the relationship between the state and the subject, uh, especially when the state is not so friendly. Um, tell us what are the three procedural lapses. डैट यू विटनेस इन दिस केस सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर आकांक्षा हमारा संविधान बड़ी पवित्र गारंटी इस बात की देता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जीवन और स्वतंत्रता से बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जाएगा इस मामले में उनकी गिरफ्तारी वो अवैध तरीके से थी उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है और अगर मैं बहुत संक्षेप में, में कहूँ तो गिरफ्तारी से लेकर अब तक वे अवैध रक्ष अविरक्षा में ही चले आ रहे हैं जहाँ तक इस मामले के इन्वेस्टिगेशन का सवाल है इस मामले के इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन सिक्स एन एक्ट के प्रोसीजर का भी फॉलो नहीं किया गया और जब ये चार्जशीट दाखिल हुई है तीन अप्रैल 2021 को चार्जशीट दाखिल करते वक्त एस के पास कोई सेंक्शन उनके प्रोसिक्यूशन की नहीं थी फिर भी कॉग्निजेंस लिया गया एक सेंक्शन 12 अप्रैल को उनके द्वारा 196 सीआरपीसी की दाखिल की गई 124 ए आईपीसी यानी सडिशन के ऑफेंस के लिए यूएपीए के ऑफेंस 17 एंड 18 सेक्शन के लिए कोई सेंक्शन 12 अप्रैल तक भी दाखिल नहीं की जा सकी थी प्रीवियस सेंक्शन को फिर उन्होंने जून में अमेंड करके दाखिल की है तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन एक अनऑथराइज एजेंसी ने क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू सेक्शन सिक्स ऑफ एन एक्ट किया उनकी हिरासत के जितने भी आदेश अब तक रहे वे अवैध थे अगर मैं उन्हें बहुत शॉर्ट में कहूँ तो पाँच अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद शांति भंग की आशंका में जब उन्हें एस कोर्ट के सामने पेश किया गया तो एस कोर्ट ने छः तारीख को बिना वन वन सिक्स अप क्लॉस थ्री के आदेश के उन्हें जेल भेज दिया जो वो नहीं भेज सकते थे ये आदेश उन्होंने उन्नीस अक्टूबर को किया उस उन्नीस अक्टूबर से पहले ही सात अक्टूबर को इन लोगों को यू ए के, के केस में सी जी एम कोर्ट से रिमांड ग्रांट किए गए और सी जी एम कोर्ट ने ये रिमांड ग्रांट करना बाईस दिसंबर तक जारी रखा जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं थे एम्पावर्ड नहीं थे या उनका हम कह सकते हैं लीगल लैंग्वेज में कि जुरिस्डिक्शन नहीं था बाईस दिसंबर के बाद इस केस को सीधे एडिशनल सेशन जज फर्स्ट के यहाँ भेज दिया गया जबकि एडिशनल सेशन जज सेशन जज की पावर्स का इस्तेमाल केवल उन केसेज में कर सकते हैं जो केसेज सेशन जज को कमिट किए गए हों और फिर सेशन जज ने उन्हें एडिशनल सेशन जज को भेजा हो या ऐसे केसेज जो सीधे सेशन जज के यहाँ इंस्टीट्यूट किए गए हों ये केस वैसा केस नहीं था इन्वेस्टिगेशन भी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के भीतर नहीं किया जा सका थ्री मंथ में तो एक्सटेंड किया गया और केवल स्पेशल कोर्ट को ही ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम को आगे एक्सटेंड कर सके लेकिन इस केस में ऐसा भी नहीं हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि ये हिरासत उनकी लगातार अवैध चली आ रही है फॉर दिस और दैट रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन सही एजेंसी ने नहीं किया जैसे किया जाना चाहिए था कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे राज्य सत्ता चाहती हो कि उन्हें हम प्रोसिक्यूट करें और उसके लिए वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो आ, कानून के अनुसार नहीं भी हैं देर है बाई फैमिली स्पेशली वेन हिज वाइफ केम आउट इन द पब्लिक डोमेन एंड सेट दैट He was tied to a cot and made to urinate uh, in a bottle, and uh, then special request was made, and only then he was shifted to Ames. Um, similar such, uh, you know, uh, account has been shared even by Atikur Rahman's wife, uh, who is uh, suffering from a heart-related ailment. Um, that brings me to the next question: uh, what, uh, what do you have to say about the way uh, police is treating? Uh, the accused uh, in in uh, while they are, they are continue to be in custody हमने ये बात पहले भी कही है कि पुलिस का व्यवहार इन लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा उनके मानवाधिकारों से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता वे हिंदुस्तानी नागरिक हैं अभी वे सिर्फ अभियुक्त हैं दोष सिद्ध नहीं हुए हैं और सभ्य समाज में किसी भी लोकतांत्रिक समाज में तो जो सिद्ध दोष होते हैं यानी सजायाफ्ता होते हैं उन्हें भी उनके मानवाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता सिद्दीक कप्पन डायबिटिक पेशेंट हैं एक्यूज़ अतीकुर रहमान एरोटिक रिगर्जिटेशन नाम की बीमारी से जो हार्ट से रिलेट करती है बचपन से पीड़ित हैं और जब गिरफ्तार हुए तब वो सीवियर स्टेज पर थे उनकी बैंटाल सर्जरी सजेस्ट की हुई थी इसके बावजूद भी कई बार ऐसा हुआ कि एक्यूज़ पर्सन को अगर पेशी के लिए लाया गया तो देर पेशी के से लेकर के और रात देर तक उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ लखनऊ ले जाते वक्त भी उनके साथ इसी तरह का हादसा हुआ और एक डायबिटिक पेशेंट के लिए पूरे पूरे दिन भूखा रहना अच्छा नहीं है उन लोगों के साथ अच्छे व्यवहार न किए जाने की शिकायत हमने कई मरतबा कोर्ट में भी की है In June, in fact, uh, when Kapan was there in the court to attend uh, one hearing, he uh, was, uh, you know, uh, he told reporters that he still has faith uh, in the constitution. There was a video of him that went viral. Um, but, you know, you have also raised concerns about the two FIRs which were filed in this case, uh, one of which uh, is uh, full of anomalies. Um, Tell us about, uh, you you know, know, the very, uh, you know, lapses that have occurred in terms of filing the FIR, which is the very first uh, step of the judicial process. कप्पन का ये statement कि वो संविधान पर बहुत विश्वास रखते हैं उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ा था कि डिलेड जस्टिस जस्टिस डिनाइड ये कहते हुए कप्पन को एक वीडियो में देखा जाता है वो तारीख पेशी पर आए थे अदालत में यहीं से मैं अपनी बात कहूँ तो पूरा केस प्रोसिक्यूशन का डैमेज होता है प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन उन पर सेडिशन का है सेडिशन के ऑफेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी एक्यूज ने कॉन्स्टिट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को डैमेज करने की कोशिश की हो या ऐसी अपनी इंटेंशन ज़ाहिर की हो या लोगों को इस चीज़ के लिए उकसाया हो किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को कंडेम करना क्रिटिसाइज करना उसे अपनी डिसेंट शो करना ये सेडिशन के ऑफेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है कापन के जिन आर्टिकल्स की बात कही जा रही है उनमें निश्चित रूप से माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस की बात तो उठाई गई है लेकिन आप उन आर्टिकल्स को ये नहीं कह सकते कि उनके ज़रिए कप्पन ने इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को कहीं डैमेज करने की कोई कोशिश की हो रिसेंटली विनोद दुआ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था केदारनाथ कि केस को कई मशहूर केस रहे हैं सेडिशन को लेकर के जिनमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का एक केस था जो प्रिवी काउंसिल तक गया महात्मा गांधी पर भी सेडिशन का एलिगेशन लगाया गया था आज़ाद हिंदुस्तान में केदारनाथ का केस लॉ एक लीडिंग केस है जिसे हम लोग मील का पत्थर कह सकते हैं और उसी की लाइट में दुआ को राहत प्रदान की गई थी अगर उस केस के में जिस तरह से व्याख्या की गई है सेडिशन के लॉ की उस व्याख्या को अगर देखें हम तो कप्पन की कोई भी राइटिंग कोई भी आलेख ऐसा नहीं है जिसमें समुदायों के बीच बेमनस्य को बढ़ावा देने वाला जो आरोप है 153 एक सौ ए आई पी सी का वो साबित होता हो न ऐसा कोई आर्टिकल है उनका जिससे सेक्शन 295 नाइन फाइव ए आई सी का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता हो कि किसी रिलीजस कम्यूनिटी की भावनाएँ उन्होंने आहत की हों और ऐसी भी कोई राइटिंग नहीं है जिसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को डिनाई किया हो या उसे डैमेज करने की कोई अपील की हो या इंटेंशन जाहिर हो इन सेक्शंस का कोई ऑफेंस नहीं बनता पूरे इन्वेस्टिगेशन में कप्पन के ऊपर टेररिस्ट परपजेज़ के लिए या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या किसी इंडिविजुअल टेररिस्ट के लिए फ़ंडिंग करने की बात या उस फंड का इस्तेमाल करने की कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं हुई है और आप ये कह सकते हैं कि जो भी एविडेंस उन्होंने कलेक्ट करके सामने रखी है उससे सेवनटीन एंड एट्टीन यू एक्ट का कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि जिन सेक्शंस के लिए चार्जशीट पेश की गई और कॉग्नीजेंस लिया गया है उन सेक्शंस के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करती हुई कोई एविडेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो कलेक्ट नहीं कर पाए माय फाइनल क्वेश्चन टू यू सर इज दैट यू स्टिल हैवन गॉट द कॉपी ऑफ द चार्ज शीट बट थ्रू द लीगल पार ऑफ इंस्पेक्शन you are also trying to make sense of the investigation done by the up stf so far because there is uh, another hearing in uh, november uh, tell us something about you know your first impression of the police investigation so far investigation bahut weak hai unka koi evidence wo nahi ikatti kar paaye hain Investigation बहुत formal तरीके से उन्होंने किया है और ऐसा लगता है कि सरकार की इच्छा से वो इस नतीजे तक पहुंचना चाहते हों कि आरोप पत्र दाखिल किया जाए जहां तक चार्जशीट का सवाल है हमने फॉर्मल इंस्पेक्शन किया है जो हमें कोर्ट के इंस्पेक्शन रूम में जाकर फाइल देखने की इजाज़त मिलती है दो सौ के तहत ईच एंड एवरी एक्यूज को वो सारा मटेरियल दिया जाना अनिवार्य है जो प्रपोज्ड है उसके अगेंस्ट उसके लिए हमने मई में एप्लीकेशन मूव की थी Uh, वो एप्लीकेशन अभी तक डिसाइड नहीं हुई है उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट डेट पर कम से कम ये फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी कि एक्यूज पर्सनस को कॉपियाँ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू न्यूज़ लॉन्ड्री सर